हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूँ फिर से मैं एक और न्यू वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक ड्रॉइड प्रो में। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने फोन के डाटा को लेकर काफी ज्यादा परेशान है कि आपका डाटा फालतू का कभी कभी खत्म होता है, कभी कभी क्या हमेशा रोज ये काम होते रहता है कि हम फोन में इंटरनेट का जो है ना यूज भी नहीं करते हो, लेकिन हमारा डाटा काफी जल्दी जल्दी खत्म होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने गेम भी नहीं चलाया, यूट्यूब भी नहीं चलाया, कोई चीज मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक कोई भी चीज यूज नहीं किया, फिर भी मेरा 50% डाटा उड़ गया, मतलब अपने आप ही खत्म हो गया। यदि ये सारे प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है तो आज की वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में 4 सेटिंग बताऊंगा जो कि आपको अपने फोन के अंदर करना है। यदि कि कर ले तो ये 4 सेटिंग आप अपने फोन के अंदर, तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आज के फोन ना आपका डाटा आप जब तक यूज नहीं कीजिएगा ये अपने आप कभी भी खत्म नहीं होगा। तो आज की वीडियो को ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए देर किस बात की, अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक हमारे इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा के प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए सभी के साथ, ताकि और भी लोग इन ऐसे ऐसे अपडेट न्यू अपडेट के बारे में जान पाए। सबसे पहले वीडियो को शेयर कीजिए सभी के साथ, कमेंट में अपना राय जरूर देना है। तो चलिए देर किस बात की, अब बढ़ते हैं मैं ट्रिक की ओर। जैसे कि मैंने फ्रेंड्स बताया था कि इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 सेटिंग को अपने फोन के अंदर करना है, जिससे कि आपका डाटा ना फालतू का कभी भी खत्म नहीं होगा जब तक आप यूज नहीं कीजिएगा। तो चलिए देर किस बात की, हम बढ़ते हैं पहले ट्रिक को। तो पहला ट्रिक के लिए सिंपली आपको अपने फोन के सेटिंग में आ जाना है। तो सेटिंग में जैसे आ जाइएगा तो किसी भी एंड्रॉइड फोन में आपको कुछ इस तरह से सेटिंग मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको अपने फोन के अंदर, सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा, जो कि देख सकते हो, आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये था पहला ट्रिक, तो बताता हूं इसमें क्या करना है आपको। तो यहां पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डाटा यूजेज, देख सकते हो ना डाटा यूजेज, यही आपको सारा चीज दिखाएगा। तो यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नेटवर्क, यहां पर देख लीजिए डाटा सेविंग, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहां पर देखिए आपको करना है क्या है, सबसे पहले यही तो हमारा सब कुछ है, तो डाटा सेविंग ये चीज आपका बंद रहेगा, तो ये सन ऑन कर देना। तो ऑन जैसे ही कीजिएगा तो क्या होगा, यहां पर देख सकते हो ऐप विथ अनलिमिटेड डाटा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे करते हो तो यहां पर देख सकते हो आप सारा चीज ना, यहां पर एक चीज से देख सकते हो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऐप विथ अनलिमिटेड डाटा, ये सारा चीज अपना अगर चालू होगा कोई तो इस चीज को आपको बंद कर देना है। बेसिकली देख लीजिए मेरा सारा चीज, देख लीजिए ये मेरा चालू है, तो इस चीज को भी ना मुझे बंद कर देना है। ये चीज जैसे करते हो यहां पर देखिए अनलिमिटेड, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं, ये अनलिमिटेड जो भी होगा काम करेगा, बैकग्राउंड प्रोसेस में चलता रहेगा। इसीलिए आपको सिंपली यहां पर आना है, सारा चीज को ऑन देख लेना है। यहां पर कोई टॉगल बटन ऑन तो नहीं है, अगर ऑन है तो इसे बंद कर दीजिए, नहीं तो ये बैकग्राउंड में ना खुद ये इंटरनेट चलता रहेगा, आपके इंटरनेट को कंज्यूम करता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये था हमारा पहला ट्रिक जो कि आपको अपने फोन के अंदर करना ही करना है। तो चलिए ये था हमारा पहला ट्रिक, तो अब बढ़ते हैं मैं सेकंड ट्रिक की ओर। तो सेकंड ट्रिक के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने फोन के व्हाट्सएप के अंदर आना है। तो जैसे ही आते हैं तो आपको 3 डॉट देखने को मिलता है, तो सेटिंग में आना है इस पर। तो सेटिंग में से जैसे आइएगा स्टोरेज एंड डाटा मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहां पर मीडिया ऑटो डाउनलोड मिल जाता है, जो कि देख सकते हो आपको यहां पर क्लिक करना है। जो जो मैं करूंगा ये सारा चीज को आपको ओके, ये चीज है कि आपका टिक किया हो सकता है, सबको अनटिक कर देना है, ओके कर देना है। इस पर भी मैं आता हूं, सभी को अनटिक कर देना है, जैसे कीजिएगा इस पर भी देख लीजिए मेरा सारा अनटिक कर दिया हुआ है। इस तो इससे क्या होगा, जैसे कि देख सकते हो यहां पर मीडिया ऑटो डाउनलोड, आपका डाटा जब भी खुला हुआ रहेगा तो ये क्या होगा, जो भी मान लीजिए आपके फोन में ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वहां से क्या होता है, आपका बहुत सारा ना फ्रेंड वीडियो डॉक्यूमेंट फोटो कुछ से कुछ भेजते रहता है, जिससे कि है ना ऑटोमेटिकली उस चीज को डाउनलोड कर देता है, और डाउनलोड करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपका डाटा को इंक्रीज किया ही जाएगा, फोन लेगा ही, तो अगर लेगा तो खत्म होगा ही, ऑब्वियसली बात है। तो ये सेटिंग आपको बंद कर देना। तो ये था हमारा सेकेंड वाला ट्रिक। तो चलिए आप बढ़ते हैं मैं तीसरे ट्रिक की ओर, जो कि आपको ना अपने फोन के प्ले स्टोर के अंदर करना है। तो प्ले स्टोर में जैसे आते हो तो प्रोफाइल पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करते हो तो आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आइए, आपको नेटवर्क प्रेफरेंस मिलता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपको 2 सेटिंग करना है। सबसे पहला आप यहाँ पर देख लीजिए ऑटो प्ले वीडियो, आपको इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले इसमें डोंट ऑटो प्ले वीडियो, इस पर कर देना है।
यहां पर कर देना, और यहां पर ऑटो अपडेट ऐप मिलेगा इसको भी कर देना, डू नॉट ऑटो अपडेट जैसे ही कीजिएगा तो आपका ये जो जो भी काम ऑटो में होगा, मतलब जो भी ऑटोमेटिकली काम होगा ना, वो क्या होगा, उस चीज को रोक देगा करने के लिए ऑटोमेटिकली करने से। तो ये था हमारा तीसरा ट्रिक। ये तीन ट्रिक जरूर करना आप अपने फोन में। तो जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि सेटिंग में जैसे आते हो तो ये सारी चीज को आपको जो है बंद करना, ये सारी चीज ना ऑटोमेटिकली अपडेट कराते रहता है, तो इस चीज को बंद करना है। अपडेट करेगा तो आपका बेसिकली बात है कि ऑब्वियसली बात है कि आपका इंटरनेट लेगा ये, तो आपको क्या करना है, यहां पर आना है, इस चीज को डू नॉट ऑटो अपडेट में कर देना है, ताकि आपका इंटरनेट फालतू का आपके परमिशन के बिना ले ही ना पाए। तो अब चलिए हमको बढ़ना है इस वीडियो में, जो कि मैंने बताया था कि आपको आना है सेटिंग में, जिससे कि आपको आपका डाटा काफी ज्यादा बचेगा। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो सेटिंग का ऑप्शन देखने मिल जाता है, इस पर क्लिक कीजिए, यहां पर मिलेगा ऑटो अपडेट ऐप, यहां पर आइए, डू नॉट अलाउ कर देना है। जैसे करते हो तो आपको क्या होगा, ऑटोमेटिकली अपडेट जो कराता है ना आपको, वो यहां से भी बंद हो जाएगा। तो आपको इसमें एक चीज कॉमन मिला होगा कि जो भी ऑटो वाला काम था उसे मैंने इस वीडियो के अंदर बंद किया। तो समझ सकते हो ना आप कि जो भी ऑटोमेटिकली काम होता था मैंने इस वीडियो में बंद किया। वही तो चीज है जो कि ऑटोमेटिकली कराता है आपके फोन के अंदर अपडेट, चाहे कुछ भी ऑटोमेटिकली होता है प्रोसेस, तो आपका डाटा काफी ज्यादा कंज्यूम होता है। तो ये सेटिंग करके आप अपने डाटा को काफी ज्यादा इंक्रीज होने से बचा सकते हो, मतलब काफी ज्यादा बचा सकते हो। तो ये सेटिंग अपने फोन में जरूर करना, और मुझे कमेंट में बताना कि आपके फोन में ये चीज काम किया या नहीं। और ये सेटिंग करने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपके फोन का अब डाटा अभी भी डाटा आपका खत्म होता है, तो कमेंट में बताना। तो आज की वीडियो में यही था दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया तो मैं किसी और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना सभी के साथ। चलिए हम मिलते हैं ऐसे ही और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।